दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज दोस्तों, मैं बर्ड्स के लिए कुछ शॉपिंग करके लाया था और बॉक्स भी लाया था इनके, और कैल्शियम वगैरह सब कुछ मैं आपको आज सब दिखाऊंगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी बनाऊँ आपके लिए। दोस्तों, ये जो एक पिंच का बॉक्स है, ये दो बॉक्स लेकर आया था, पर पिंच के बॉक्स कम पड़ गए थे इसलिए लाया था। ये बॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ये कैल्शियम ब्लॉक है, ये भी मैं लाया था लव बर्ड्स के लिए, ये भी लगाऊंगा। ये थोड़े कम थे मेरे पास इसलिए लाया। बाकी ये जो बॉक्स है, ये एक पेयर है मेरे पास, उसका बॉक्स नहीं था उसलिए मैं ये बॉक्स लेकर आया। और बाकी ये पाउडर है, चीटी पाउडर, ये मैं लेकर आया था। ये सस्ता भी और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये लगाऊंगा इनके बॉक्स में, वो भी आपको दिखाऊंगा। और बाकी दोस्तों, ये नेस्टिंग है, ये लव बर्ड्स और फिंच के लिए नेस्टिंग भी मैं लाया था। दोस्तों, मैं अभी इनको पाउडर लगा रहा हूँ ताकि चीटियाँ वीटियाँ जो आती है ना बॉक्स में, काफ़ी काम खराब हो जाता है, वो नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये पाउडर लगा देता हूँ ताकि ये मसला भी हल हो जाएगा। अगर आपके पास भी बर्ड्स हैं तो पाउडर लाजमी लगाया करें ताकि चीटी और उनके अंदर खतरा ना हो। ये जो पाउडर है मेरे पास, ये है तो वैसे सस्ता लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा दोस्तों, अभी इसको भी लगाना है लव बर्ड्स के बॉक्स को, इसको भी लगाते हैं। हमेशा इसमें टीटियाँ वीटियाँ कुछ भी होंगी वो अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी और ये भी मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, अभी मैं कैल्शियम ब्लॉक लगा रहा हूँ अपने बर्ड्स को, आपको दिखा दूँ। बाकी आप दूसरों को मैं अभी लगा रहा हूँ दोस्तों, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, इस जोड़ी को मैं अभी कैल्शियम ब्लॉक लगा रहा हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ अभी। दोस्तों, वैसे तो मैं इनके लिए कैटल फिश बोन लेने गया था लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर शॉप वाले ने बोला ये लगा दो कैल्शियम ब्लॉक, इसका भी रिजल्ट अच्छा है, तो मैंने ये ले ली। वैसे तो मैंने पहले भी कैल्शियम ब्लॉक लगाए थे, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन कैटल फिश बोन इससे भी अच्छी होती है लेकिन वो मिली नहीं, तो अब इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, केटल फिश बोन वो दो तीन दिन में वो भी लाऊंगा, हो सकता है ये वापस निकाल दूं। केटल फिश जो है ना, उसका रिजल्ट इससे बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये जो जोड़ी नज़र आ रही है लोटिनो, इसके बारे में मैंने बोला था एक हफ्ते में ब्रीड करेंगे। दोस्तों, इनके तो मैंने आपको दिखा दिए अंडे लोटिनो के, बाकी नीचे वाले जो पैर हैं उनको मैंने अभी चेक नहीं किया, अंडे आए हैं या नहीं आए, अभी देख लेते हैं। फिशर का पेयर इसका देखते हैं, इसके अंडे अभी नहीं आए। इसने नेस्टिंग तो वैसे कर ली है पूरी लेकिन अभी अंडे नहीं आए, वो दे देगा इंशाल्लाह जल्दी। दोस्तों, नीचे जो है ब्लैक मूव का पेयर है, इसको भी अभी चेक कर लेते हैं इन्होंने अंडे दिए या नहीं दिए। इसने नेस्टिंग कर ली है लेकिन अभी अंडे नहीं दिए, वो दे देगा इंशाल्लाह, हो सके हफ्ते में दे देगी, चला दे देगी। दोस्तों, ये जो पेड़ है इसको मैंने अभी देखा है, तो वीडियो के दौरान मैंने देखा था ये मुझे दोनों फीमेलें लगी हैं। बॉक्स में लगा रहा था इनकी, इस वजह से मैंने बॉक्स नहीं लगाए। ये अगर फीमेल हुई तो बॉक्स को ऐसे भर देंगी, 10-12 अंडे भी ये दे सकती है। अब मैं इनको चेक करूँगा, प्रॉपर चेक करके फिर मैं बॉक्स इनको दूंगा, अभी नहीं दूंगा बॉक्स।
दोस्तों अभी नेस्टिंग की इनको ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनको नेस्टिंग भी दे दिए। बहुत कम थी नेस्टिंग केज के अंदर, इसलिए मैंने इनको नेस्टिंग में भी दे दिए। अभी खुद उठाएंगे थोड़ी देर में, वो भी दिखाता हूँ आपको। मेरे साथ बाकी दोस्तों ये जो अभी बच्चे निकले थे पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे फिंच के, ये बच्चे अभी माशाल्लाह सेल्फ हो गए काफ़ी, और थोड़े से छोटे भी हैं। दोस्तों अभी मैं इनको नई नेस्टिंग दे रहा हूँ, वो नेस्टिंग जो थी वो ख़राब हो गई थी, उसमें इन्होंने बीट भी कर दी थी, वो इनके काम की भी नहीं थी, इसलिए मैं इनको नई नेस्टिंग दे रहा हूँ। ये थोड़ी देर में खुद ही उठा लेती हूँ। नीचे जो पे इसका भी ख़त्म हो गई थी नेस्टिंग, इनको भी नेस्टिंग दे देता हूँ, ये भी थोड़ी देर में उठा लेगा ना खुद ही। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म, नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।